पैकेट के अंदर का सामान सॉलिड है। कौन खाता है पम्पकिन चिप्स? दस में 40। 40 इतना अच्छा है? मैं भी कुछ नहीं किया, ब्रेक तो बनता है। ऐसा कोई इंडियन ही सोच सकता। तीन चार। अरे यार ये तो अचार जैसा। अरे छोटा उठ ना, आपका पेट भरा है तो बड़ा ही उठेगा। मेरे हिसाब से पहले ही आया। कौन टूटे कोई सपना टोको उसको। Hey DSM bros, welcome back to another vlog. हाँ, another है, अभी काफी regular हो रहा हूँ धीरे-धीरे। घंटा। और vlog नहीं है, sorry cut. Take two. Hey DSM bros and welcome back to another video. और आज हम लोग करने वाले हैं कोई product का थोड़ा Hey DSM bros, welcome. जिसमें भी आप लोगों का मालूम हो, देखो ये food से related है, so ये सब के intro में better तो वही है जो पीछे camera के। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं सूटकेस प्रियंका जी का सूटकेस के साथ क्या कर रहा हूँ। उनको पता भी है वो मेरा सूटकेस है। हाँ तूने कहीं तो मेंशन किया था इसमें क्या है नहीं है। जिन लोगों ने शायद इंस्टाग्राम में स्टोरी वगैरह देखा होगा तो उन लोगों को पता होगा यहाँ पे क्या है नहीं है। बट मैं आप लोगों को बता दूँ, ये काफी हल्का है लेकिन अंदर का सामान यहाँ के लिए काफी भारी सा है। और मेरा नजर काफी दिनों से इस सूटकेस में था, तो प्रियंका जी तो इसका रिव्यू नहीं कर रही क्योंकि बहुत लंबा ही प्लेलिस्ट हो गया थाईलैंड का और मैंने सुना कि आप लोग देख भी नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है, हम लोग का थाईलैंड सीरीज नहीं देखे तो प्रियंका जी का चैनल पे जाके देख लेना थाईलैंड सीरीज। और मैंने थोड़ा मतलब हम 3-4 ब्लॉग ही डाले जो जो हम लोग जिस दिन किए उतना तक ही, लेकिन प्रियंका जी ने बहुत कुछ कवर किया। मतलब हम लोग 10 दिन के लिए गए थे तो 10 दिन में एक साल का ही कॉन्टेंट कर लिया थाईलैंड का, तो सब कुछ ऑलरेडी कवर है। कोई भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए फूड से रिलेटेड ट्रैवल से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो प्ले लिस्ट देख सकते हो। और इसमें प्रियंका जी ने कुछ शॉपिंग किया था, आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ। अब कितना दिन से तेरा नजर था इस पे? बहुत दिन से लाई है, खा ही नहीं रही है, मैं परेशान हो गया हूँ। तो इसमें बहुत सारे खाना है। अबे टोपा पहना दिया किसी ने। तो ये रहा है सारे खाने और इसमें मैक्सिमम सारे स्नैक्स है और यहाँ पे 2-3 चॉकलेट सब थाई स्नैक्स और स्वीट्स है, तो आके देखना पड़ेगा क्या क्या है। ये कोई काम का नहीं है, ये उसी को मिलता है। मेरे को नजर सबसे ज्यादा इसमें कहा गया बारबेक्यू, ये रहा मेरे को ये ट्राई करना था। देख के मस्त लग रहा है, देख के लग रहा है कि कोई मीट मीट सा चीज है, फ्लेवर मस्त लग रहा है। कभी तो करेगी तब खाऊंगा। लेकिन फिर उड़ता हुआ खबर आया कि प्रियंका ने तो वीडियो ही नहीं करी, तो मैं सोचा छाप देता है मैं भी। कुछ नहीं मिलता है तेरे को, लोगों को बोल रहा है। हाँ इसका कोई काम नहीं। सो ये इतना ही आइटम है, बट एक चीज याद रखो रिव्यू है ये, ठीक है? मैं बस खाऊंगा और अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा, मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि नाम प्राइस कैसा है किसके तरह है क्यों है इसमें क्या फ्लेवर है उतना उसके भाई। खाने में टेस्टी लगा तो बस मैं बोलूंगा खा लेना अगर मिलता है, और थाईलैंड जा रहे हो तो खरीद लेना। सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं, तो देख के हम लोग के इंडिया का स्वादी टाइप का लग रहा है। इसमें ऐसे लिखा है आप पढ़ लो, बिन बिन राइस क्रैकर्स। तो पैकेट में से पैकेट निकलता है, पैकेट के अंदर का सामान है वो खाना हम लोग को। ये सब एक्सपायर नहीं हुआ है ना? नहीं पक्का। हाँ इसमें थाई पंडा नहीं आता, सॉलिड है, सॉलिड टाइप का लग रहा है। हाँ मीठा सा है। अरे क्या खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ। क्या खा रहे हो, मैं भी खा के देखूं। बाहर का थाईलैंड पर के मम्मी कुछ डाला हुआ काला काला जैसा मेथी वेथी डालते। मेथी नहीं है, सीवीड है, सीवीड। मीठा आलू मिला हुआ है। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ये नहीं खाना चाहिए, अच्छा है। कितना रेट दोगे? कितना रेट करोगे? सही में अच्छा है, ऐसे खाओ चाय पियो साथ में कड़क सा दूध का चाय अदरक डाल के। कितना देगा? 10 में 10 देगा। 6 आप? ना 10 में 10 अच्छा है खाने में। 10 में 10 देगी मम्मी इसको। बिन बिन राइस क्रैकर ये तो मैं हर किसी नहीं ट्राई करूंगा, इसको हटा दो। हाय नहीं ट्राई करना पड़ेगा। भाई कौन खाता है पम्पकिन चिप्स? कद्दू का चिप्स मम्मी, कद्दू। मैं कद्दू का भी नहीं खाता, मैं ये खाऊंगा कद्दू का। दे मुझे खा के देखी। देखो कद्दू का पूरा वो नीचे का छिलका भी दे दिया। हाँ यार पूरा छिलका दिया हुआ है। सिंजू आ गया, उसको भी दो, उसको भी दो।
चीजी खा रहा है भागेगा चिकन ही खाता मम्मा मैं नहीं खाएगा अच्छा है खाने में कैसे बेटू अच्छा बात की कद्दू का है नहीं जिसको पसंद नहीं उसको लग रहा है जो खाता है रेगुलर है उन लोग का नहीं समझ आता बारबेक्यू का टेस्ट है नॉर्मल है कुछ खाया मतलब उतना खास नहीं है यार तुझे लग रहा है कद्दू लग रहा है हट कद्दू नहीं तुम खाता ही नहीं तो तेरे को कैसे पता कद्दू का टेस्ट क्या है मतलब पिक्चर में देख कैसा अजीब सा है ऐसा इट्स गुड फॉर हेल्थ देख लिया इसीलिए कितना रेट करोगे इसको मैं तो 4 4 मैं खाती हूं भाई मेरे लिए आप कितना दोगे 10 मम्मी हर चीज में 10 दे रही है यही से सीखिए सिंपल फूड में रेट करना ना ऐसा लग रहा है गुजिया जैसा हाँ मैं भी इसलिए उठाई थी गुजिया जैसा लग रहा है पता नहीं क्या है कुछ लिखा तो समझ नहीं आ रहा पहले देख ले काई चीज का चिंगड़ी का तो है लग रहा देख अरे हाँ रे मम्मी कचाली मैं नहीं समझ पाया ये रहा टॉमियम कुछ एक तो लिखा है टॉमियम खाऊंगा वो भी छोड़ो मम्मी तो वही खाए जा रही मम्मी कितना अच्छा लग रहा है मम्मी को एक्चुअली ये है कि मम्मी को चिप्स आइटम सब बहुत पसंद है इसलिए घुस गई है चिप्स आते है ना मतलब ऐसा छोटा छोटा सा है क्या है नहीं समझ आ रहा इसमें ऐसा लग रहा है गुजिया जैसा और बड़ा बड़ा होगा निकला ये पिद्दू सा जब खाता हूँ कैसा है पहले बता 10 में 40 इतना अच्छा है एक खिला मैं भी खाऊंगी तुझे वो 40 दे वो उसको खाने तुम दोनों माँ बेटा हो तो बिट्टू 40 दे रहा है तो देखा 40 क्यों दिया खाओ ना फिर पता चलेगा मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर नीचे क्या है कद्दू का उसका खाके देखना देखना तो होगा कॉकरोच हाँ कॉकरोच खाने में एकदम छुटकी मार छुटकी मार की तरह मैं कभी खाती नहीं हूँ छुटकी मार बाबा प्रॉन का जो इन लोग ने दिया है ये प्रॉन को ड्राई करके सुखा के पेस्ट बना के वो करके ऐसे फ्राई तो सिंगाड़ा का ये बैटर के अंदर घुसा दिया और तू 40 बोल के मेरे को खिलाया तुमने टेस्ट ही नहीं करता दे तब तक एक बाबा अगर आप लोग सोच रहे ट्राई करने का चलो अगर ट्राई करोगे तो आसपास कुछ अच्छा सा कुछ रखना हम लोग के पास लक बाई चांस एक तो चॉकलेट है एक नहीं दो तीन है तो ये किटकैट जैसा ये भी है क्वांटा ब्रेक तो किटकैट ही अंदर से कुछ खास तो है नहीं पता नहीं अभी इसमें से भी मैंने कुछ नहीं लिया वो टूट क्या बोले कहाँ एस्थेटिक लेने का सोचा था ब्रेक तो बनता है क्रंची भी नहीं लो अरे चॉकलेट चॉकलेट ओ मम्मी नहीं खाएगी शुगर अरे तू तो वीडियो में भी मेरा शुगर को नहीं है बॉर्डर लाइन है और वो क्या बोलते हैं जो लोग सुटकी खाते हैं उन लोग के लिए अच्छा है वो नॉर्मल किटकैट जैसा बोल जो सुटकी खाते हैं उन लोग के लिए सही है लोग को अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा वो लोग नहीं वो मैं तो उसको जीरो दूंगा ये भी अच्छा नहीं अच्छा किटकैट बेटर है इससे मतलब किटकैट का लोकल वर्जन समझ लो टमाटर का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं हाँ। तो लग रहा है टमाटो है और ये लग रहा है कैप्सिकम है मेरे को लगता है दोनों सेम ही ब्रांड है सेम ही कैप्सिकम नहीं है तो क्या है मिर्ची मोटा मिर्ची ओ मिर्ची है जो भी है तो पहले हम लोग मिर्ची खोलते हैं चिप्स है नॉर्मल नॉर्मल चिप्स आलू का फ्लेवर जैसा आलू का बोल रही हूँ चावल का ना चावल का ना किसका भाई हम लोग के यहाँ पे मिलता आलू का चिप्स ऐसा टेस्ट है चावल का वो सेम ऐसी है बस फ्लेवर्स है यही से कोई लेके गया होगा था ये ब्रांड मार दिया लिखा भी है फैशन फूड ऐसा कोई इंडियन ही सोच सकता फैशन फूड सही बोल रहा है बहुत चिप्स है टेस्ट कैसा है अच्छा हम लोग का यहाँ का चिप्स है ट्रैफिक ऐसे में रहोगे तो वो चिप्स जो बेचता है बस बस में सब में वो वाला चिप्स है सेम है ट्रैफिक सिग्नल पे जो चिप्स मिलता है ज्यादा मसाला है मीठा इसलिए वहाँ इधर सेफ्टी पिन क्यों लगाई हो ये लगाती हूँ ना ये कितने लगाई है यहाँ पे चाहिए ना तो चोर चोरी करने जाएगा तो वैसे सेफ्टी पिन डालेगा चुप जाएगा क्या है मम्मी लोग का फिर भी कितना रेट करोगे 10 में इसको 5 3 4 अभी मैं बोलने वाला 7 तक तो डिगी है 10 से सीधा 3 4 अपना घर वाले को 3 4 दे रही बाहर वाले को अरे 10 10 तू ले जा अरे तू ले जा भाई ये तो हम लोग के इधर का जैसे ही है
ये सूखा आम का कैंडी है. अच्छा. और ये हनी लेमन मतलब शहद और नींबू का कैंडी कैंडी है. है क्या चीज़? कैंडी है चॉकलेट. स्पाइसी कौन सा? हाँ स्पाइसी वो जो नहीं होता है. हाँ वीगन भी है. हाँ ये कैंडी नहीं ओरिजिनल है. ओ अरे यार ये तो अचार जैसा है. पूरा सूखा नींबू है. ये काम आएगा खाना खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए. उसी से टेस्ट कर लेते हैं. मेरे ही वीडियो है ना. हाँ तुम लोग अपने भी वीडियो नहीं खाया. मैंने खा ली. हनी लेमन है ना तो मीठा ही होगा. लेमन है. सूखा सूखा ड्राई कैंडी है. ड्राई लेमन है. ये वाला कौन समझ जाओ. हाँ. अच्छा लगा ना. खाना खाने के बाद डाइजेस्ट में हेल्प करेगा. पर वैसा नहीं जो हम लोग के यहाँ पे वो रहता है जो हाजमा वाजमा जो आम लोग की ना मिलता नहीं है सूखा वो अच्छा है. मैं गलत लाइन में आ गया भाई. ये लोग ठीक से डिस्क्राइब कर सकते हैं. मैं आम तो क्या आ रहा था दिमाग में पिक्चर आ गया लेकिन नाम नहीं आया. उसका पैकेट सबसे स्मूथ था इसके लिए एक पॉइंट. आमला आमला ड्राई स्पाइसी मैंगो. ये अच्छा होगा खाने में. लो अरे छोटा उठना. आपका पेट भर है तो बड़ा ही उठ. काला नमक के साथ. मम्मी का मुंह का एक्सप्रेशन मैं सोचा काला नमक लगा हुआ है. नहीं काला नमक नहीं है चीनी पीस के लगा हुआ है. मीठा है बट लिखा है स्पाइसी. लिखा है स्पाइसी ड्राइड मैंगो पर उतना स्पाइसी नहीं है. नॉर्मल मैंगो का टेस्ट इसको खिला खिला इसको पता चलेगा. वो नहीं है नमक नहीं है चीनी मिला हुआ है. अच्छा नहीं. अब बचे दो. ये हम लोग ये एक्स्ट्रा हम लोग के पास पहले भी था. हम लोग ट्राई किए थे तो नॉर्मल है. इसको ट्राई नहीं कर सकता. ये नॉर्मल है. किटकैट का बाइट किटकैट का जो है ना जो किटकैट आपका लंबा आता है उसी को गोल शेप में करके पैकेट में डाल देते. ये ट्राई नहीं करे. माइलो हमने माइलो ड्रिंक पिया हुआ. हमने माइलो का चॉकलेट माइलो का चॉकलेट नहीं खाया. तो नगेट से थोड़ा डिफरेंट वही है जो कैडबरी शॉर्ट्स आता है वैसा टाइप का ही कुछ है. सारा पैकेट नहीं खोलता वही है वैसा टाइप. अभी कितना हल्का है. नाइस. मम्मी तो खाएगी नहीं. अंदर वो डाला हुआ है वेफर्स. वेफर्स हाँ. ओके रेट सर गुड. मतलब टाइम पास फूड नहीं किया. कितना रेट करेगा? बॉर्नविटा होता है ना. बॉर्नविटा बॉर्नविटा जमा कुछ तो बचता है. माइलो तो बॉर्नविटा के तरह उसी से ही तो बनाया. हम लोग बचपन में बॉर्नविटा नहीं आया था. बॉर्नविटा जब नहीं आया था तो हम लोग माइलो ही पीते थे. उसके बाद बॉर्नविटा वगैरह गया माइलो हट गया. पहले बॉर्नविटा है नहीं पता. हाँ बॉर्नविटा के बाद में माइलो जब आया मंगाया तो पिया. पूछ ले कमेंट में पूछ ले. तो आप लोग कमेंट करके बताना कि माइलो पहले आया कि बॉर्नविटा. मेरे हिसाब से बॉर्नविटा पहले आया. मेरे हिसाब से पहले ही आया. कौन बॉर्नविटा? तो मैं भी तो वही बोला बॉर्नविटा पहले आया. पूरा इसका सूटकेस में मेरे को नजर इसी में था. मैंने बोला भी था ये तो उठाना ये तो ट्राई करेंगे. और ये देख के भी नगेट्स जैसे चिकन फ्राइड चिकन होता है ना वैसे लग रहा है. अब खोल के ही देख के पता. वैसे रिव्यू नहीं होता भाई. मैं कभी कंटेंट क्रिएटर बन ही नहीं पाऊंगा. खुशबू कैसे बता. अभी फ्राइड चिकन लग रहा है. हाँ देखने में तो देख ले क्या चिकन लग रहा है. कुछ चिकन नहीं लग रहा है. नॉर्मल चिप्स है. बारबेक्यू का भी फ्लेवर नहीं है ना स्पाइसी है. और तुम इतना एक्साइटेड था. तेरा तो छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग सुना. देख यहाँ पे भी बना था बारबेक्यू वगैरह कोई टेस्ट ही नहीं. यही होता ज्यादा एक्साइटमेंट होने से. मेरे साथ जैसे नूडल्स के साथ हुआ. मैं जितनी एक्साइटेड थी वो सब नूडल्स इतना बकवास. देखो बड़ा वाला लेके आई थी जायंट. क्या हुआ बना ही नहीं. वो कितना गंदा टेस्ट था. डिब्बा वाला हाँ जो लाइफ में खाया था. मुझे मंच करने के लिए ठीक है. कितना रेट करेगा तू मंच करने के लिए? की वहां से लाके खाके करेंगे. यही तो मिल जाता है इससे बढ़िया बढ़िया. आप कितना रेट करोगी? वो जो करे करे. मैं 5 कर रही हूँ. मम्मी का मूड खराब हो गया. मेरे हिसाब से जितना भी प्रोडक्ट था सब में से सबसे बेस्ट राइस क्रैकर ही था जो अभी भी कड़क है. तो इसी को 10 देना चाहिए. और किसी को दे दिया ना. मुंह मीठा करो. पर ये मीठा है थोड़ा स्पाइसी तो और मजा आता. तो हम लोग अभी ये थोड़ा जो भी पैकेट्स खोले हैं जो जो अच्छा लग रहा है उसको एंजॉय करते हैं. सो आप लोग अगर ये वीडियो रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि आप लोग इसमें से कौन सा ट्राई करना चाहोगे. और क्या था? वन लाइक सब्सक्राइबर कर दो. मुझे माफ कर दो. टोको उसको.